डुमरी के पूर्वा खंड के पारसनाथ के तलहटी में गुरुवार को आदिवासी समाज के लोगों ने श्रद्धा भाव से सरहुल पर्व मनाया। मरांग बुरु सावंता विकास समिति निमियाघाट के बैनर तले स्थानीय आदिवासी समाज के लोगों ने एक सादे कार्यक्रम के तहत प्रकृति की पूजा पारसनाथ पहाड़ की तलहटी में अवस्थित तुलसीटार के जवाहर थान में किया, जिसके बाद पुत्रीगढ़ स्थित दिसोम मांझी थान में अपने इष्ट देवी देवताओं की आराधना की। बताया गया कि इस दौरान कोरोना को देखते हुए जारी गाइडलाइंस का भी ध्यान रखा गया। इस बाबत बजल हेम्ब्रम ने कहा कि हर वर्ष सरहुल पर्व झारखंड समेत गिरिडीह में भी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस साल सादे कार्यक्रम के रूप में पर्व मनाया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रणाम सोरेन, पुजारी चढ़ना सोरेन, शिवलाल मुर्मू, विनोद मरांडी, रमेश सोरेन, श्यामलाल सोरेन, गुरु गोविंद हांसदा, रवि सोरेन आदि की भूमिका अहम रही। विश्व कोरोना की चपेट में है, ये लेकर के कोरोना का गाइडलाइन को पालन करते हुए प्रत्येक वर्ष जिस तरह से धूमधाम से ये सरहुल पर्व को मनाते आ रहे हैं, उस तरह से इस वर्ष नहीं मनाया गया, क्योंकि ये कोरोना काल है। इसको ध्यान में रख कर के माने यहाँ जो प्रकृति का पर्व है हम लोग का, प्रत्येक माह के ये चैत महीना में जब प्रकृति में नया फल फूल लगता है, उस समय सबसे पहले हम लोग प्रकृति को ये फल फूल अर्पण करते हैं। इसके बाद ही हम लोग ये ग्रहण करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं अपने इष्ट देवी देवता से कि इस वर्ष अच्छी से अच्छी वर्षा हो और ये हम लोग को अच्छी फसल होवे, ताकि हम लोग पूरे समुदाय में पूरे देश में समृद्धि स्थापित हो, इसकी प्रार्थना करते हैं हम लोग आज के।